सुनती हो, ये देखो लोग पहाड़ों में कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितनी बर्फ पड़ रही है, हम भी चले क्या? हाँ, नेकी और पूछ मैं, तुम और बच्चे। अरे बच्चों का क्या काम वहाँ पे, हम दोनों चलते हैं। नहीं 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 नहीं, बच्चों के बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। बड़े आए। अरे समझा करो ना, हम चलते हैं, बच्चों को रहने दो यहाँ पे। पापा, अरे लो बच्चे आ गए। अरे पापा मेरा, तू बोल, चल तू बोल। अरे बोलना बोलना। पापा हम यूँ कह रहे थे, हमारा दिल नहीं लग रहा है इस घर में बिल्कुल भी। हाँ पापा, ना हमारे यहाँ पे कोई दोस्त है, ना कोई दोस्त बंधु है, आसपास सारा जंगल ही जंगल है। हाँ मम्मी प्लीज, हमें इस घर से निकाल दो ना, यहाँ पे बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ और तो और क्या कहते हैं, इसको बैटिंग भी करनी नहीं आती, इसको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता। और मेरे को बैटिंग आती, तेरे को बैटिंग नहीं आती? ज्यादा शाना मत बन, इसको मम्मी बैट भी पकड़ना नहीं आता, बैट ये उल्टा पकड़ता है। तो ऐसे पकड़ते हैं बैट ऐसे, तू फालतू की बात मत कर। चल तो मम्मी कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और मेरा कहने का मतलब ये है मम्मी, हम ना अपने पुराने घर वापस चलते हैं। क्या बोलता भाई? भाई मस्त प्लान है। शाबाश बेटा। नहीं 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 नहीं, पुराने घर मैं नहीं जाऊंगी। पुराने घर याद नहीं है वहाँ क्या हुआ था? अरे मम्मी ऐसा क्या हो गया पुराने घर में? याद नहीं है तुम लोगों को? अरे भाग्यवान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वहाँ सब हवन वगैरह सब करा दिया है, अब वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगी भाई। अरे मम्मी क्या आप छोटी छोटी बातें कर रहे हो, पुराना घर सबसे बेस्ट घर था अपना, समझ गए आप? और क्या। अरे मम्मी पुरानी बातें पुरानी गई। हाँ तुम भूल गए क्या वहाँ क्या हुआ था? मैं नहीं जाऊंगी पुराने घर। नहीं 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 नहीं, पुराने घर नहीं जाना। अरे हाँ हाँ मेरे को मालूम है, पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, मान जाओ ना आप। अरे मम्मी पता है क्या है, यहाँ ना हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ ना गर्लफ्रेंड्स है, मेरा मतलब है कि कोई नहीं है। हाँ तो वहाँ पर हमारे सारे दोस्त भी है, पुराने दोस्त भी है, नए दोस्त भी है, थोड़े बहुत नए दोस्त, थोड़े बहुत नए दोस्त भी है, तो चलो ना वहीं पुराने घर। और हाँ मम्मी, आपकी वहाँ सहेलियाँ भी तो हैं जिनसे आप चुगलियाँ कर सकती हो, सोचो सोचो। मूंगफली खाते हुए? सहेलियाँ तो ठीक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, पुराने घर कोई नहीं जाएगा, बस मैंने बोल दिया। मम्मी मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे पापा। अरे नहीं बेटा, बस मम्मी ने बोल दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, हम उस घर में नहीं जाएंगे, समझे? अरे मम्मी मेरे रहने दे भाई, ये लोग हमसे प्यार ही नहीं करते। चल पुराना। अरे मैंने कहा जी चले फिर हम मनाली। चले गए मनाली? ले आए मनाली, लेके चलेंगे मुझे। ये भी ना, बस क्या करूं, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ नहीं जाती तो कोई बात नहीं, बाहर वाली को लेके चलते। अरे यार डीकरो, पापा तो मान ही नहीं रहे, पापा ने तो साफ मना कर दिया, अब क्या करें? हाँ यार अब क्या ही कर सकते हैं। चल कोई नहीं, ऊपर वाला है हमारे साथ, कुछ ना कुछ तो करेगा। कुछ सोचते आला। चल हाँ जी शर्मा जी, हाँ हाँ मैं कल भेज दूंगा। ठीक है शर्मा जी, ओके। हाँ जी भैया बोलिए। वीरेंद्र पुनिया फ्रॉम MCD। आप प्रवेश मेहता हो? हाँ जी भैया। आपने ये घर अभी लिया है? हाँ हाँ अभी लिया है। सर आपका यह घर इलीगल जगह पे बना हुआ है। क्या इलीगल जगह पे? अरे नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये घर तो मैंने अभी लिया है और मेरे पास तो इसके पेपर भी हैं। सर आपका घर इलीगल है और इसके सबूत हमारे पास हैं। आप ऐसा करिए, ये घर जल्दी से खाली कर दीजिए और अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। ये घर एक दिन, एक घंटा और हाँ एक सेकंड में भी गिर सकता है, तो ऐसा करिए आप जल्दी से निकलिए। अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो हमारा बुलडोजर बाहर खड़ा है, हम घर गिरा देंगे। क्या बुलडोजर बाहर खड़ा है, ये घर गिरने वाला है? अरे अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो, सुनो। भाग्यवान, अरे अरे सुनती हो, कहाँ हो बच्चों? अरे मैंने कहा मेरी बात सुनो, कहाँ हो तुम लोग? अबे कौन भोग रहा है बे? अबे तेरा बाप भोग रहा है बे। सॉरी पापा। जल्दी कर लो बेटा, सामान पैक करो अपना। क्या पापा, हम मनाली जा रहे हैं? अभी बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर आए हुए थे और उन्होंने बताया ये घर इलीगल है। क्या इलीगल बना हुआ है? इलीगल बना हुआ है? इलीगल? हाँ इलीगल, और उस प्रॉपर्टी डीलर वाले ने हमें धोखा दे दिया और कभी भी घर ये टूट सकता है। जल्दी करो, जो अपना सामान है फटाफट पैक करो, जल्दी भागो यहाँ से बेटा, जल्दी करो, चलो। Oh,
अबे मेरे को तो अंदर लेने हम इस घर से बाहर तो आ गए लेकिन किसी ने ये सोचा है कि अब हम जाएंगे कहां पर? कहां जाएंगे? तो सोचो 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 कहां जाएंगे? भाई क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? अरे हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तू सोच रहा है। पापा पुराना घर। नहीं 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 पुराने घर में भूत है। अरे मम्मी अब क्या वही भूत की बात लेके बैठ गए यार? अरे मम्मी आप ही ने तो कहा था भूत भूत कुछ नहीं होता। ये सब मम्मी अंधविश्वास होता है बस। मम्मी एंजल्स होते हैं एंजल्स। आप ही तो कहते हो कि एंजल्स होते भूत नहीं होते। नहीं 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 पुराने घर कोई नहीं जाएगा। कोई और चारा है तुम्हारे पास? तो फिर तय रहा अब तो हमें अपने पुराने घर जाना ही पड़ेगा। पुराने घर की रोटी खानी पड़ेगी। पुराने घर का पानी पीना पड़ेगा। अब तो हमें पुराने घर जाना ही पड़ेगा। लेट्स गो। अरे हमारा घर कहाँ गया? बेटा पीछे देख पीछे। पीछे? अरे यहाँ नहीं वहाँ देख पीछे। अरे वो रहा। अरे मम्मी पुराने घर पे आ गए अब तो नई नई सहेलियाँ मिलेगी। मतलब पुरानी सहेलियाँ मिलेगी। सहेलियाँ तो ठीक है लेकिन बहुत मुझे डर लग रहा है। अरे मम्मी कुछ नहीं होता उनका बहना। अरे चलो चलो अरे भाई अपने पुराने घर वापस आ गए हम। हाँ भाई कितने दिन हो गए इसको देखे ना। अबे ओ 2 महीने पहले गए थे यहाँ से हम। अच्छा अरे पापा वो आपका वो कहाँ है वो चौकीदार? अरे यही कहीं होगा। बोलो वो आ गया। अरे अंकल जी प्रणाम दूर से। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। और सब ठीक ठाक है ना? हाँ अंकल सब बढ़िया है जैसा आप छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही। क्या वैसा ही है? अरे जो मैंने कहा था वो सब करवा दिया था ना तुमने? हाँ हाँ अंकल मैंने हवन वगैरह सब कुछ करवा रखा है। और वो भूत? अरे मम्मी कितनी बार कहूँ आपको भूत भूत नहीं होते यार समझो ना मेरी बात। समझ नहीं रहे हम कह रहे हैं भूत नहीं होते हैं एंजल्स होते हैं। अरे अंकल ये बताओ हमारा घर कैसा है अंदर से? जैसा आप छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही। ठीक अंकल मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे भाई छोड़ना हम भी चले अंदर। चलो लेट्स गो। सुनो जी वो फिर मनाली चलें। मेरा बहुत मन कर रहा चलने का। बर्फ में जाएंगे वहाँ बर्फ के गोलों से खेलेंगे। 2 गोले मैं मारूंगा 1 गोला तुम मार लेना। मेरा मतलब 2 तुम मार लेना 1 मैं मार लूंगा गोला। चलें। हाँ फिर तो बना सकते हैं
जल्दी बोला करो, बच्चे हैं यहाँ पर। अरे बच्चे तो यही रहते हैं, बच्चों ने कहाँ जाना है। अरे पापा मम्मी। हाँ बेटा। अरे अपने भाई को देखा, मेरे को मिल नहीं रहा वो। अरे यही होगा, कहाँ जाएगा। अरे मम्मी मैंने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिल रहा। अरे देख ले, बाथरूम में होगा बेटा। अरे पापा बाथरूम में जस्ट देख के आया हूँ। बालकनी में देख ले। अरे मम्मी बालकनी में तो सबसे पहले देखा था मैंने, वहाँ पर भी नहीं है। अरे छत पे देखा जाके। अरे पापा छत पर भी देख लिया मैंने, वहाँ पर भी नहीं है। तो नीचे देख ले जाके, वही होगा, छोटा सा तो घर है, कहाँ जाएगा। अरे हाँ नीचे तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ बेटा नीचे ही होगा वो। नीचे देख के आता हूँ मैं। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है मनाली का, बना सकते हैं फिर तो। चले अरे भाई अबे किसे देख रहा है। अबे तू यहाँ पे कैसे आ गया, तू तो। हाँ यार मैं तो सब्जी लेने गया था रात में, मैंने मम्मी को कहा है कि रात में सब्जी नहीं मिलती, फिर भी जा बेटा सब्जी लेके आ जा, नहीं मिली ना सब्जी। अबे तू यहाँ पे कैसे आ गया, तू तो यहाँ पे गाड़ी में कपड़ा मार रहा था। गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था, अबे पागल है क्या, भूत देख लेगा तूने। अरे तू तो अभी वहाँ पे था। ज्यादा मत सोचा कर। हाँ भूत था वो, मेरा भूत था वो, बस एक तो मेरे को डरा दिया इतनी तेज। चल अंदर पागल। अब तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा। यस। अरे भाई को पता लग गया तो अगर कोई बात नहीं देख लेंगे। अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। क्लियर बोल क्लियर। अबे क्लियर बोल क्लियर क्लियर। अबे पागल हुआ क्या ये बता। अरे भाई मैंने ना भी वहां पे भूत को देखा। भूत को देखा। अबे वहां तो कोई भी नहीं है। अरे लेकिन मैंने देखा था भाई। हुआ क्या भाई, शुरू से बता। वो भाई जैसे मैं बैठ से उठ के आइसक्रीम खाने गया ना फ्रिज में से निकाल के, वैसे आइसक्रीम। पापा ये रात के 3 बजे आइसक्रीम खाने आया है और भूत का बहाना कर रहा ताकि मम्मी इसको कुछ ना कहे, मेरे को बोले। बहुत तेज है ये, पागल समझा के हम दोनों को। मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ बोल चलो। वो भाई जैसे मैं कटोरी से आइसक्रीम खाने लगा ना और वैसे मैंने भूत को देखा, कटोरी नीचे गिर गई। कटोरी कटोरी वो भाई कटोरी कहाँ गई। पापा या तो ये खुद पागल हो गए, ये हम दोनों को पागल बना रहे। अबे ओ नालायक चुपचाप सो जा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, समझे ना, नींद हराम कर रखी है हमारी। हाँ भाई हमें तो स्कूल जाना है। क्यों क्या हुआ तेरे को, चल। लेकिन भाई मैंने देखा था वहां पे। अबे चल।
हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ सर वो फाइल तैयार करवा दी है मैंने। हाँ हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। कल सर मैं पापा पापा हाँ जी हाँ सर अब पापा मैं चुप कर बात कर रहा हूँ चुप। हाँ सर हाँ ठीक है मैं सुबह मॉर्निंग में हाँ अरे पापा सुनो ना। अच्छा जी अच्छा सर ओके ओके हाँ बोल क्या बात है। अरे पापा मेरे को आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात है। अरे पापा हुआ यूं था कि समझे देखो भाई को ही भूत दिखा मेरे को ही भूत दिखा। पापा इस घर में सच में भूत है। हमें काम करते हैं नए घर में वापस चलते हैं। अरे मेरे बेटे मैंने तुम्हारे को बताया था ना कि मैंने इस घर में हवन करा रखा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ कोई भूत नहीं है कुछ भी नहीं है बेटा यहाँ पे। नहीं पापा यहाँ पे है आप मेरी बात यकीन करो यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल तो है पापा। दो दो बार दिखाई दिए एक बार भी नहीं दो बार। देख तेरी मम्मी को भूत नजर आया। नहीं मेरे को नजर आया। नहीं तो फिर तुम दोनों को कैसे नजर आ रहा है वो। पता नहीं ना। तो बेटा मेरे को बहुत जरूरी काम है मैंने ऑफिस का काम करना है तू जाके सो जा बेटा जा। पापा अरे जा बेटा जा। ये लोग मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे। क्या वो सच में भूत था या फिर मेरा बहम। एक काम करता हूँ शाम को आज फिर कन्विंस करूंगा। हाँ ये सही रहेगा। बच्चे भी ना ये नहीं कि सही से कपड़े रख दें अपने। ये तो वैसे मेरी चुन्नी है ना। मम्मी आपको पता है क्या कल ना जब मैं आइसक्रीम खा रहा था ना फ्रिज में से निकाल के तभी आइसक्रीम वो भी मुझसे पूछे बिना कैसे खाई तूने। मुंह से खाई। मेरी बात तो सुन लो यार मम्मी। अच्छा बता बता। मम्मी जैसी मैं फ्रिज में से निकाल के आइसक्रीम खाने वाला था ना वैसी मैंने सामने भूत को देखा। क्या 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 भूत। भूत को देखा। हाँ। अच्छा अभी कुछ दिन पहले जब मैं बोलती थी भूत है तो बोलता था एंजल होते हैं मम्मी एंजल। अब क्या हो गया भूत कहाँ से आ गया। और वैसे भी ना तेरे पापा ने हवन कराया है कोई भूत भूत नहीं है। मुझे भी नहीं दिखा अभी तक कोई भूत। लेकिन मम्मी मैंने तो देखा था ना। अपनी आंखें टेस्ट करा ले पता नहीं कहाँ से भूत दिखाई दे गया। तूने शीशा तो नहीं देख लिया खुद को देख लिया होगा। ये लोग मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे। क्या वो सच में भूत ही था या फिर मेरा वहम। पापा मम्मी पापा अबे चुप। अरे पापा कौन है कौन है पापा बताओ ना। अरे कौन है भाई तू कौन है। परवेश मैं वही हूँ जिसके तूने यहाँ चीरा मारा था। ओ अच्छा तो तू धनीलाल है धनीलाल। हाँ मैं वही धनीराम हूँ। धनीलाल 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 जिसकी मनी के लिए तूने मुझे मारा था और आज मैं सनी बनके तेरे ऊपर आया हूँ। अरे बेटा किसी टाइम पे ये घर इसका हुआ करता था। ये अपने टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था और ये मेरे हाथों से मारा गया। क्या पापा आपने इसको मार दिया। हाँ बेटा। अरे पापा आपने क्या किया अब इसके हाथ पे हमें मारेगी। भाई मुझे माफ कर दो भाई। हाँ भूतनाथ हमें प्लीज माफ कर दो। पापा की सजा हमें मत देना प्लीज हमें माफ कर दो। परवेश
तेरी इन गलतियों की सजा तेरे इन दोनों बच्चों को मिलेगी और मैं इन दोनों बच्चों को कच्चा चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अब तुम सब नहीं बचोगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट मेरे को जरूर बताना। और आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। और हाँ, तब तक के लिए हर हर महादेव।